हेलो भाई लोग, तो कैसे हो। मैं फिर से एक बड़ा गेना कुछ नया वीडियो लेके यार। तो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ जीआई वायर का होलसेल एंड रिटेल प्राइस। यार बहुत दिन हो गया यार, आप उनने होलसेल रिटेल प्राइस के ऊपर में वीडियो नहीं बनाया, तो इस भाई ने आज लेके आ गया वो वीडियो। आप लोग का भी बहुत सारा डिमांड आ रहा था भाई, कितना गजी का आता है और कहाँ पे यूज होता है ये जीआई वायर, वो भी बताऊंगा। और इसके साथ साथ आप लोग को ब्लैक वायर का प्राइस भी बताने वाला हूं। जो बिल्डिंग वगैरह में लोहा को बांधा जाता है उसको काला तार भी बोलते हैं। चलेगा, ज्यादा देरी ना करते हुए फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग बताते हैं ए टू जेड पूरा। तो भाई लोग, आप लोग इसमें देख रहा होगा चार साइज का हम लोग का बहुत जी आई वायर है। मतलब ये जो चार साइज है ना, ये सबसे ज्यादा चलता है मार्केट में, इसलिए इसका प्राइस आप लोग को बता रहा हूँ। तो लेफ्ट साइड वाला में जो आप लोग को देख रहा होगा ये 16 गेज का है, और उसका नेक्स्ट में है 18 गेज का, और थर्ड में है 20 गेज का, और फोर्थ में है 22 गेज का। मतलब जितना नंबर बड़ा होगा उतना पतला होगा, और जितना नंबर कमती होगा ना भाई लोग, तो उतना मोटा होगा तार। और इसमें जितना भी आप लोग को तार दिख रहा होगा ना भाई, चार साइज का, ये सब जितना भी तार है बेरा वगैरह बनने के लिए काम आता है। जैसे कि आप लोग को इसमें देख रहा होगा ये जो है ना भाई लोग 18 गेज का तार है, तो इसी से बंधा हुआ ये बेरा। तो यहाँ पे देख सकते, यहाँ भी बंधा है, यहाँ पे भी, ये भी 18 गेज का तार है भाई लोग, आप लोग को दिख रहा होगा। और इसमें 20 गेज का भी यूज होता है, तो ये जो है ना भाई इसमें 18 गेज का यूज होता है ताकि ये थोड़ा हैवी मजबूत रहे, और 20 गेज का जो तार है ना वो भी यूज होता है इसी में। तो हम लोग ने इस बार जो है ना 18 गेज का यूज किया हुआ है, 18 गेज का जो है ना लास्टिंग ज्यादा करता है। और आप लोग को इसमें देख रहा हो, इसमें आप लोग को देख रहा होगा इसमें जो है ना भाई लोग, यह है 16 गेज का। तो ये पोस्ट वगैरह में 16 गेज का तार यूज किया जाता है, और यहाँ पे बंधा गया 20 गेज का तार से। ये आप लोग को देख रहा होगा ये 20 गेज का थोड़ा पतला रहता है, तो इसमें बंधा है। तो यहाँ पे आप लोग को जितना भी देख रहे हो सारा 20 गेज का तार से बंधा हुआ है, ये देख सकते। तो इसी तरह घर में यूज किया जाता है ये सब जो जी आई वायर होता है ना भाई। तो भाई लोग, आप लोग इसमें देख सकते हो जो टीन है ना भाई, टीन और पोस्ट के साथ बांधा हुआ है। ये है 18 गेज का तार है भाई लोग, आप लोग को देख रहा होगा बाहर में एक तो ऐसा वाला पोस्ट लगाया हुआ है, उसका ऊपर में टीन को अच्छे से बांधा गया है। तो ये बहुत लास्टिंग करता है भाई, ये टीन है, पुराना टीन से ये बांधा गया है। तो इसी तरह जगह पे ये जो जी आई वायर है यूज हो जाता है। तो भाई लोग, बम्बू से टीना को कैसे घर में लगाए जाते हैं और तार से कैसे बांधा जाता है, उसका फुल डिटेलिंग के साथ एक तो वीडियो बनाया हुआ है। वो वीडियो आप लोग ने नहीं देखा तो जाके फटाक से देख लो, आप लोग को पता चल जाएगा कि बम्बू से तार से टीना को कैसे घर में लगाए जाते हैं, और आप लोग को पता चलेगा ए टू जेड पूरा भाई। ये है 16 गेज का तार, और ये 25 केजी का बंडल आता है। तो हम लोग इसको खोला, मतलब बंडल करके रखते हैं, छोटा छोटा बंडल करके, जैसे कि 200 ग्राम, 100 ग्राम, आधा केजी, 1 केजी का बंडल करके रखते हैं, ताकि कस्टमर आएगा और अपना हिसाब से वो चूज करके वजन ले जाएगा, ताकि मतलब जल्दी बिक्री हो जाता है ये सब। तो बोलो प्राइस की बात करें ना, तो 16 गैस का जो प्राइस है होलसेल प्राइस होगा पर केजी में 100 रुपया, यानी 25 केजी का गिरता है 2500 रुपया। और रिटेल प्राइस की बात करें ना, तो भाई लोग 130 रुपये गिरता है पर केजी में खुला बिक्री करेंगे तो, और बंडल में होगा 3250 रुपया रिटेल में। तो भाई लोग, अगर आप लोग दुकानदार हो यानी आप लोग का हार्डवेयर शॉप है, तो आप लोग अगर ज्यादा क्वान्टिटी में माल लेते हो तो आप लोग को 100 रुपये से थोड़ा कमती में आप लोग को मिल जाएगा। बाकी आप लोग का स्टेट में थोड़ा कमती भी हो सकता है, क्योंकि भाई लोग स्टेट के हिसाब से प्राइस अप एंड डाउन भी हो सकता है, तो आप लोग कंपेयर मत करना भाई। तो भाई लोग, ये जो प्राइस आप लोगों को मैंने बताया है, ये महीने दो महीने में जो प्राइस है ना भाई, अप एंड डाउन होते रहता है, इसका कोई फिक्स नहीं है भाई। आज 100 रुपया है होलसेल में भाई, काल में जाके 110 रुपये भी हो सकता है, 90 रुपीज़ भी हो सकते हैं। अगर रिटेल प्राइस की बात करें ना, तो आज 130 रुपया है, आगे में जाके 150 भी हो सकता है या 100 रुपये भी हो सकता है। तो इसमें कोई फिक्स नहीं है, महीना दो महीने में अप एंड डाउन होते रहता है, जितना भी लोहा का मटेरियल आता है ना भाई लोग, सब ऐसा ही है। तो भाई लोग, ये जो प्राइस है ना 16 गेज का, 18 गेज का, 20 गेज का, 22 गेज का, प्राइस सभी का सेम ही है होलसेल एंड रिटेल प्राइस। तो आप लोग देख लेना भाई, आप लोग का स्टेट में क्या पता अलग अलग भी हो सकता है। और आप लोग कौन से स्टेट से ये वीडियो देख रहे हो, और आप लोग का स्टेट में क्या प्राइस चल रहा है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना जरूर भाई मेरे को। आप लोग का भी हार्डवेयर शॉप या हार्डवेयर जैसे मिलता जुलता शॉप है, अपना दुकान का बनाना चाहते हो या फिर अपना दुकान का प्रमोशन करना चाहते हो, तो भाई लोग मेरे को कॉन्टेक्ट करिए, मैं आप लोग का दुकान का वीडियो बना दूंगा। इंस्टा पे जाके या फेसबुक पेज पे जाके मेरे को मैसेज करिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग को मिल जाएगा। और भाई लोग, मैं प्रमोशन फ्री में करता हूँ, यानी फ्री में मैं वीडियो बनाता हूँ लोगों का दोस्तों, तो इसमें कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ आप लोग का जो दुकान है उसका फोटो या वीडियो के लिए मेरे को भेजना है, तो मैं आप लोग को वॉइस ओवर करके प्रमोशन कर दूंगा। तो चलेगा, इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो भाई लोग, जी आई वायर जो है ना भाई, वो फ्यूचर में जाके जंग या मामर खा जाता है भाई, बट उससे अच्छा क्वालिटी है हम लोग का पास, वो है एल्युमिनियम का। ये कभी भी जंग या मामर नहीं खाता, बट इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है और थोड़ा नरम रहता है, इसको दो तीन बार मोरोगे तो ये टूट जाएगा, बट इसका लाइफ बहुत ज्यादा है। तो इसका होलसेल प्राइस होगा 400 रुपया, और रिटेल प्राइस है 600 रुपया, और 30 केजी का बंडल आता है ये। पर केजी का प्राइस है 400 रुपया होलसेल का है और 600 रुपया रिटेल का। तो भाई लोग, आप लोगों को देख रहा होगा ये है ब्लैक वायर, और इसको जोला तार भी बोला जाता है। ये यूज होता है जो बिल्डिंग में
चुलवा वगैरह होते हैं इनको बांधने के लिए यूज होता है ये। और ये जो ब्लैक वायर ये मार्केट में सबसे ज्यादा बिक्री होता है। आजकल हर जगह बिल्डिंग वगैरह बनते हैं और लोगों का पर्सनल घर हो गया, सोसाइटी का घर हो गया, मतलब आजकल सभी जगह पे पक्का का घर बनाया जाता है ना भाई, इसलिए ये जो ब्लैक वायर है ये सबसे ज्यादा यूज होता है। मतलब ब्लैक वायर प्लस TMT रॉड, सीमेंट और बालू और भी कई सारा मटेरियल है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया हार्डवेयर में जितना भी मटेरियल आता है ना आजकल बहुत ही चलता है, ज्यादा लोगों का कमाई जितना होगा उतना हार्डवेयर मटेरियल बिक्री होगा, कमाई होगा तो घर बनाएंगे ना। जैसे कि एग्जांपल मेरा ले लो, मेरा कमाई आजकल कम थी, अगर फ्यूचर में जाके कमाई ज्यादा होगा, इनकम ज्यादा होगा तो अपन भी घर बनाएगा ना भाई आरसी, तो उसमें हार्डवेयर का आइटम चाहिए ना, जिसकी लुआ सीमेंट बालू और भी कई सारा मटेरियल, हैंडल बैंडल और भी तार वगैरह, वो बहुत गजल उजल बहुत सारा हो गया भाई, उसके साथ टाइल चाहिए, पेंट चाहिए, सैनिटरी आइटम चाहिए और भी बहुत सारा खर्चा है भाई। तो बोलो अगर आप लोग ने कील का वीडियो नहीं देखा, मतलब गजल का वीडियो नहीं देखा, वो वीडियो जाकर देख लो, आप लोग को होलसेल और रिटेल प्राइस दोनों पता चल जाएगा और कितना वैरायटी में गजल मिलता है मार्केट में वो भी आप लोगों को पता चलेगा। और ये जो काला दाड़ है ये काला क्यों होता है और इसको जला के क्यों बनाते हैं, तो इसका रीजन ये है कि अगर ये जला के बनाएंगे ना तो मतलब लास्टिंग कुछ ज्यादा करता है, क्योंकि सीमेंट का नीचे में रहता है, सीमेंट का अंदर में रहता है, अगर ये सफेद रहेगा तो उसमें ममर खा के जंग लग के वो खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, तो इसको जला के बनाया जाता है। प्राइस की बात करें तो होलसेल प्राइस होगा 1 kg में 84 rupees और रिटेल में होगा 1 kg में 100 rupees। और बंडल की बात करें ना तो एक बंडल में 25 kg का बंडल आता है, तो रिटेल प्राइस होगा 25 kg में 2500 rupees और 25 kg होलसेल प्राइस होगा 2100 rupees। मोटा मोटी एक मॉडल में 400 rupees की जैसे मार्जिन हो जाता है। तो भाई लोग आई थिंक आप लोगों को पूरा जानकारी मिली गया होगा, तो वीडियो को कर दें यहाँ पे फिनिश।